हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नायरा स्टाइल कुर्ती। बहुत ही कम कपड़े में हम इसको बहुत ही खूबसूरत इजी तरीके से बनाएंगे। ये कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और स्टाइलिश लगती है, और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इसके लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई है 47 इंच, और ये कपड़ा हमारा 2 मीटर में से 6 इंच कम है। इसी कपड़े से हम आज अच्छी ज़्यादा चुन्नट वाली कुर्ती बनाएंगे। इसकी कटिंग करने का तरीका कुछ अलग रहेगा। कन्नी की साइड से इसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब इधर से हम एक बार फोल्ड और कर लेंगे, 4 फोल्ड हो जाएगा ये कपड़ा। अब इसमें से हमें चोली की लेंथ निकालनी है, तो वो है 14 इंच। 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि ये 15 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा हमने सिलाई के लिए लिया है, जो ऊपर नीचे जाएगा। पूरे में इस प्रकार मार्किंग कर लेंगे 3 जगह, और यहाँ से इस कपड़े को कट करके निकाल देंगे। इस कपड़े में से हमें चोली और स्लीव्स दोनों निकालनी है, तो इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। जो हमारी कमर आएगी यानी चेस्ट आएगी, उसका चौथा हिस्सा और प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए होना चाहिए, इतना हम इसको फोल्ड कर लेंगे। शोल्डर हमारा रहेगा 7 इंच, आर्म होल्स भी 7 इंच रहेगा। लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल्स की, आधा इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। जो हमारी चेस्ट है, उसका 4th पार्ट 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच और प्लस 2 इंच मार्जिन है। कमर का चौथा हिस्सा 8.5 इंच है, 8.5 इंच प्लस 2 इंच आगे मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। ये लाइन सीधी कर देंगे दोनों। अब हमें आर्म होल्स की गोलाई दे देनी है 1 इंच। फ्रंट और बैक नेक की चौड़ाई है 4 इंच, आगे वाले गले की लेंथ है 4 इंच। ये हम बोट नेक बनाएंगे इस कुर्ती का। कॉर्नर पे गोलाई दे देंगे। पीछे वाले गले की लंबाई है 2.5 इंच, इसको भी हम गोलाई में मार्क कर देंगे। आगे वाले आर्म होल्स को 0.5 इंच अंदर की साइड लेंगे पीछे वाले आर्म होल्स से। अब हम इसकी बैक पार्ट की पहले कटिंग करेंगे। जो बैक पार्ट का मार्क है, उसी के ऊपर पहले कटिंग करनी है। जब आप इस प्रकार से कटिंग करते हैं साइड में से निकाल के, तो आपकी बहुत ज़्यादा घेर वाली कुर्ती बनेगी। अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे, आगे वाले पार्ट को फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे और गले की और आर्म होल्स की कटिंग कर देंगे। छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे सेंटर पार्ट में आगे वाले पार्ट के। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो जो फैब्रिक हमारे पास बच गया है, उसको हम 4 फोल्ड में करेंगे। इसकी चौड़ाई हमें चाहिएगी 9 इंच, स्लीव्स की लंबाई रहेगी 11 इंच, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। आगे से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसके जॉइंट आएगा, तो हम इसको थोड़ा सा क्रॉस में इस प्रकार से सेट करेंगे, और आगे से जो हमने कपड़ा कट किया उसको साइड में रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आगे से सीधा कर लेंगे। आर्म होल्स का शेप देने के लिए 3 इंच पे मार्क करेंगे नीचे की साइड, और आर्म होल्स का शेप दे देंगे, कट कर देंगे यहाँ से। इस प्रकार से हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें दामन की कटिंग करनी है, तो जो हमारा फैब्रिक बच गया है, उसको 4 फोल्ड करती हूँ मैं एक बार, और फिर आपको उसकी चौड़ाई बताती हूँ 4 फोल्ड में कितनी बच गई है हमारे पास। तो ये 4 फोल्ड में 16 इंच बच गई, यानी कि
एक साइड 32 इंच का घेरा बनेगा, 14 इंच चोली का ऊपर निकाल देंगे इंची टेप, और फिर 47 इंच पे ये निशान लगाएंगे, जितनी आपकी रेडी लेंथ है वहाँ पे निशान लगा के 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे लंबाई में। और ऊपर से ये कपड़ा ज्वाइंट है तो इसको हम अलग कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी कुर्ती की कंप्लीट कटिंग हो जाती है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले आगे वाले पार्ट को सीधी साइड से फैला लेंगे, इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे ब्लैक कलर की। इस लेस के साइड में सिलाई लगाएंगे और ये लेस बिल्कुल सेंटर पार्ट में होनी चाहिए। डबल सिलाई से हम इस लेस को अटैच करेंगे। गले की फिनिशिंग देने के लिए मैंने प्लेन कपड़े की कटिंग कर रखी है, सेम गले की तरह जैसे हमने गले की कटिंग की थी वैसे ही इस पट्टी की कटिंग की है मैंने। इस पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच। पीछे वाले गले के लिए भी इसी प्रकार से मैंने पट्टी कट करके रख रखी है। अब इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे राउंड में। अब हम इसको मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई अंदर वाले कपड़े के ऊपर आ रही है। टॉप सिलाई लगा देंगे एक। इसको पलट लेंगे और इस फैब्रिक को अंदर की साइड दबाते हुए 1/2 इंच, और इसको हम कच्ची सिलाई से इस पट्टी को सेट कर देंगे, क्योंकि बाद में हमें तुरपाई करनी है तो बाद में ये सिलाई हमें निकालनी पड़ेगी। जब आप इस पट्टी को फोल्ड करते हो अंदर की साइड, तो न तो आपको पट्टी खींचनी है और न ही कुर्ती की खिंचावट आनी है, तभी आपके ये फिनिशिंग से आएगी ये पट्टी। इस प्रकार से हमारे आगे वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के ऊपर भी हमें इसी प्रकार से अटैच कर लेनी है ये पट्टी। बैक पार्ट की पट्टी को पूरी फिनिशिंग देने से पहले ही हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है, तो स्किप मत कीजिए वीडियो को। बैक पार्ट थोड़ा सा अलग तरीके से हमें फिनिशिंग देते हैं इसमें। अब इसको हम अंदर की साइड 1/2 इंच अभी फोल्ड कर देंगे, इसके ऊपर अलग से सिलाई लगाएंगे। बाकी का काम इसका बाद में करेंगे फिनिशिंग का। अब हमें पीछे वाला पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखना है सीधी साइड दोनों की फेस करके, और ये जो पीछे वाले पार्ट की पट्टी है ये आगे वाले पार्ट के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे, और पहले शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। उल्टी साइड ऊपर है और एक सिलाई बैक पार्ट के ऊपर इस प्रकार से लगा देंगे। इसके ऊपर भी हमें तुरपाई करके बाद में ये सिलाई निकालनी है, तो ये सिलाई बड़ी रखनी है। अब हमें स्लीव्स को तैयार करना है। जो ज्वाइंट हमने बनाए थे वो लगा लेने हैं। पहले तो सीधी साइड फेस करेंगे दोनों की, सीधी साइड अंदर रहनी चाहिए। अब हमें स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर लेस रखेंगे सीधी, और किनोर किनोर के ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए आपकी लेस से। अब हम इसको पलट लेंगे सीधी साइड, एक सिलाई से और इसको दबा देंगे, फिनिशिंग दे देंगे लेस को। इसी प्रकार से हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। अब हमें दोनों स्लीव्स को सीधी साइड अंदर की साइड करते हुए इस प्रकार से रखेंगे।
आगे वाले आर्म होल्स में आधा इंच कपड़ा कट कर देंगे। अब टॉप पार्ट को सीधा फैलाएंगे और स्लीव्स को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे, सेंटर पार्ट से सेंटर पार्ट मिला देंगे और ये सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे आगे वाला पार्ट आगे वाले पार्ट से मिल जाना चाहिए जो हमने कटिंग कर रखी है स्लीव्स की और आर्म होल्स की कुर्ती की। अब पलट देंगे इसको और आधा और जो हमारा स्लीव्स बाकी है उसको भी अटैच कर देंगे। इसी प्रकार दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे, टॉप पार्ट को रेडी कर लेंगे। अब हमें दामन को उठाना है और दामन को लंबाई की साइड से पकड़ना है, ऊपर जो हमारे टॉप के ऊपर अटैच होगी वो साइड पकड़नी है और इसको 2 इंच छोड़ते हुए इस प्रकार से हमें इसके अंदर चुन्नट बना लेंगे पूरे में, ये देखिए इस प्रकार से। अब हमें टॉप पार्ट को सीधा रखना है और जो हमने चुन्नट बनाई है उसको इसके ऊपर उल्टा रखना है दामन को और इस प्रकार से मिलाते हुए इसको सिलाई लगा देंगे एक पूरे में। पीछे वाला पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। ध्यान रहे जब आप ये सिलाई लगाते हो तो आपकी जो चुन्नट है वो एकदम इक्वल होनी चाहिए, अगर आपकी चुन्नट पलट जाती है तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी फिर अंदर की साइड, तो ध्यान से ये सिलाई लगानी है हमें। दोनों साइड इसी प्रकार से हम अटैच कर लेंगे आगे और पीछे वाले दामन को। अब हमें फिटिंग का मार्क करना है, जो हमारी हिप की लंबाई रहेगी वो नॉर्मल कुर्ती में 21 इंच होती है लेकिन इसमें हमें 18 इंच ही रखनी है। दोनों साइड इस प्रकार से फिटिंग का मार्क कर लिया है मैंने। अब हमें इसको साइड में से फोल्ड कर देना है फिटिंग करके, डबल फोल्ड करके, और नीचे से दामन को भी डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। पहले फिटिंग करेंगे, बाद में हमें साइड वाले पल्ले को फोल्ड करना है और फिर नीचे से फोल्ड करना है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए मेरा बताने का तरीका कैसा रहा, आपको कैसा लगा। इस प्रकार से हमारी कुर्ती की कंप्लीट सिलाई हो जाती है, हमने साइड में भी इसके लेस लगाई है। ये इसका फाइनल लुक है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।